बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ कि प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जो पंजाब लाहौर के अंदर अवेलेबल है, जिसे यूसीबी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जो जिसे टोटली यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब कहा जाता है, उसके अंदर स्प्रिंग 2023 के एडमिशन का आगाज हो चुका है। उसमें कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, मेरिट क्या है, प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट आउट करना है, उसकी फीस कैसे पे करनी ऑनलाइन घर बैठे बैठाए, और उसको प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करना, सैंपल पेपर क्या, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ देखते हैं। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाले हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान या इंटरनेशनल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट इश्यूज करने हो, बैंक का चालान पे करना हो, या कहीं भी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो आप घर बैठे हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301 2027670 इस नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी बैंक, किसी भी इदारे, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को हासिल करें। अब बात कर लेते हैं यूसीबी की। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक आउट करना है यूसीबी। जैसे यूसीबी सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। ऑफिशियल वेबसाइट के ओपन होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर का ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर हर किसी शख्स का जानना, हर स्टूडेंट का जानना लाजमी है, बिकॉज हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, एडमिशन हमारा हो जाता है, लेकिन हमें फीस स्ट्रक्चर जब सामने आता है तो हम सोचते हैं यार ये क्या हो गया। जब तक हम ये प्रोसेस करते हैं तब तक दूसरी यूनिवर्सिटी की डेट चली जाती है, फिर हम सोचते रह जाते हैं। यहाँ पे तमाम प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल है, आप इसको रीड आउट करें, उसको देखें, हर प्रोग्राम की फीस आपके सामने सेमेस्टर वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल फीस भी देख सकते हैं और हर सेमेस्टर वाइज भी आप देख सकते हैं। अब ये सारा फीस स्ट्रक्चर आ गया, उसके बाद आप अप्लाई करना है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे एडमिशन के ऑप्शन पे आ जाएंगे, यहाँ पे सैंपल पेपर्स देखने, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये आपको बता दूं प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, बाद का स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसी चक्कर में रहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की है। अब यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पे क्लिक आउट करें, जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल ऑप्शन आ जाता है, तो आपके सामने उनका ऑफिशियल ऑप्शन आ जाता है। ऑफिशियल ऑप्शन जैसे आता है, यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक आउट करना है। ऐसे इस पे क्लिक आउट करेंगे तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आके आपने अपना क्रिएट अकाउंट पे क्लिक आउट करना है। जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक आउट करेंगे, अपना फुल नेम जो आपका रिजल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन है, आफ्टर दैट आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, अपना सीएनआईसी नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर आपने देना है। जैसे ये देंगे वो आपको फौरी कहेगा कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। जैसे आपका सक्सेसफुली क्रिएट अकाउंट होगा, आपकी ईमेल पे आपको एक मैसेज आएगा, यूसीबी की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पे भी एक मैसेज आएगा, यूसीबी की तरफ से आपको एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो इसी तरह आपने क्या करना, अपनी ईमेल ओपन करनी है। अगर मैंने ऑलरेडी अपना लॉग इन किया हुआ तो मैं क्या करूंगा, दोबारा लॉग इन कैसे करूंगा, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे इस तरह का मुझे मैसेज आ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड होगा। आपने क्या करना है, इस यूजर नेम और पासवर्ड को कॉपी करना है। एग्जाम्पल से दैट इस यूजर नेम और पासवर्ड को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। वो कहता है कि ऑलरेडी साइन इन किया हो, तो आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद बिकॉज मैंने ऑलरेडी अकाउंट अपना लॉग इन किया तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने के बाद आपने क्या किया, इस तरह आपके सामने फ्रेमवर्क आ जाएगा, इस तरह आपके सामने डेस्कटॉप आ जाएगा। आपने सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक आउट करना है। जैसे इस पे क्लिक आउट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेप्स हैं जिसको आपने फिलअप करना है। सबसे पहले अपनी तमाम पर्सनल डिटेल्स मेंशन करेंगे, यहाँ पे सीनेसी फ्रंट बैक आपने ऐड करना है, अगर बेफॉर्म है तो आप बेफॉर्म की तस्वीर फ्रंट बैक ऐड करेंगे। और आफ्टर दैट क्या होगा, किसी तरह आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे गार्डियन की इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट वे से आपने सबमिट करनी है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं टैक्स पेयर का नेम, यहाँ पे आप अपना सीएनआईसी नंबर मेंशन कर दें, पेरेंट्स का डजंट मैटर। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक आउट करना है, देन आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उसके बाद आपने प्रोग्राम अपना चूज करना है। मैं कहूंगा एक प्रोग्राम से ज्यादा, 4 से 5 प्रोग्राम चूज करें जो आपको ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद अपने स्कॉलरशिप, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी से, पंजाब कॉलेज से पढ़ा हुआ, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज से, तो आप वहां पे मेंशन करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करेंगे, आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट फाइनल सबमिशन होगी। फाइनल सबमिशन करने के बाद आपको क्या होगा कि यहाँ पे एक चालान जनरेट हो जाएगा, मैं आपके सामने बता देता हूँ आपने क्या करना होगा। चालान जनरेट होगा तो उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपके सामने किस तरह का लेआउट आएगा। अब आपने लॉग इन करना, एग्जाम्पल से चालान जैसे जनरेट होगा तो आपके सामने क्या कैसा इंटरफेस आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक दफा इसको साइन आउट करूँ, साइन आउट करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपके सामने कैसे ही उसका आता है, तो आपने फीस कैसे पे करें। बाद के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चालान डाउनलोड करके बैंक के थ्रू पे कर दे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप इसकी फीस जो है वो अपने जैज कैश, इजी पैसा, या अपने बैंक अकाउंट के थ्रू भी पे कर सकते हैं, अपने एचबीएल, मीन टू से दैट अपनी डिजिटल बैंकिंग के थ्रू भी। जैसे आप एप्लीकेशन को सबमिट आउट करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक टैब अपीयर हो जाएगी, डाउनलोड चालान। जैसे आप डाउनलोड चालान पे क्लिक आउट करेंगे, ऊपर आपको चालान नंबर आ जाएगा।
फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे पे ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक आउट करना है। पे ऑनलाइन के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट टैब्स आ जाएंगे, जहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आप जैज कैश के थ्रू पे करना चाहते हैं या इजी पैसा के थ्रू पे करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कौन सा मेथड आप फॉलो करना चाहते हैं। एग्जाम्पल सी दैट, मैं जैज कैश के थ्रू पे करूंगा तो मैं अपना जैज कैश का नंबर मेंशन करूंगा, जैसे जैज कैश का नंबर मेंशन करूंगा उसके बाद वहां पे अपना चालान नंबर मेंशन करूंगा, जैसे चालान नंबर मेंशन करूंगा तो मेरा डाटा आ जाएगा, मेरा डाटा सामने आ जाएगा कि इस बंदे का ये चालान है। जैसे मैं पे पे क्लिक करूंगा, पे पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो जैज कैश का मोबाइल होगा वो मेरे पास होगा, मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका ये अकाउंट होल्डर इस चीज के लिए मर्चेंडाइज जो है वो आपका पेमेंट कट करना चाह रहा है। तो आप वहां पे अपना पिन कोड जो है जैज कैश का पिन कोड लगाया होगा, एग्जाम्पल से दैट आपने लगाया हो 87 87 लगाया हो, 99 लगाया हो, 95 लगाया हो, व्हाट्सएप जो भी आपने लगाया होगा वो आप पिन कोड लगाएंगे, 444 डिजिट का पिन कोड होता है वो आप लगाएंगे तो आपकी ट्रांजेक्शन कट हो जाएगी। जैसे ही आप कट होगी तो आपको कहते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ट्रांजेक्शन करेंगे तो अगेन आके सर आपने रिफ्रेश करना है, जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको टेस्ट लेटर जनरेट हो जाएगा फौरी के फौरी। इसका मतलब ये कि जब आप बैंक के थ्रू पे करते हैं, डाउनलोड करके कॉपी करके बैंक के थ्रू करते हैं तो आपको 4 से 5 दिन के बाद ट्रांजेक्शन लिस्ट आती है, जबकि आप इधर से करते हैं फौरी के फौरी आपको यहाँ पे टेस्ट लेटर आ जाएगा जिसके ऊपर आपको शो किया जाएगा कि आपका टेस्ट किस दिन को है। तो ये एक प्रॉपर मेथड है फॉर्म सबमिशन का, तो आप भी इसी तरह इसको प्रॉपर तरीके से फिलअप करें। अगर किसी को फिलअप नहीं करना चाह आ रहा तो आप घर बैठे हमारे से करवाएं, हम लोग जल्दी और फास्ट सर्विसेज आपको देंगे प्रॉपर कवर अप करने की। जजाकल्लाह, शुक्रिया।